लगातार आप देख रहे हैं वाईएस न्यूज। इधर मोरवाद जनपद के थाना मुंडा पांडे अंतर्गत ग्राम राजोरा कन्नड़ भूमि स्वामी सतीश ने अपनी जमीन पर दबंगों द्वारा किए जा रहे अवैध निर्माण को रोके जाने की मांग को लेकर एसएसपी को सौंपा शिकायती पत्र, लगाई इंसाफ की गुहार। इधर मुरादाबाद के पाकवाड़ा थाना क्षेत्र में अधिवक्ता पर की फायरिंग, मचा हड़कंप। फायरिंग में अधिवक्ता मोहम्मद उबैद को लगी दो गोली, हुआ घायल। पुरानी रंजिश के चलते अधिवक्ता को मारी गोली। पुलिस चौकी से चंद कदम दूरी पर घंटा को दिया गया अंजाम। पुलिस ने मुकदमा दर्ज की जाँच शुरू। इधर नगर पंचायत पाकवाड़ा में स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत शौचालयों के निर्माण कार्य में धांधली का आरोप लगाते हुए नगर पंचायत पार्क पाकवाड़ा के कुछ सभासदों ने जिलाधिकारी से की शिकायत, सौंपा ज्ञापन। शौचालय निर्माण कार्य की उच्च स्तरीय जांच कराए जाने की उठाई मांग। इधर मोरवाद में किन्नर के साथ रहने से मना करने पर की गई युवक आदिल की हत्या, अपहरण कर की गई थी युवक की हत्या। मैनाठेर थाना पुलिस ने एक हत्यारोपी को गिरफ्तार कर हत्याकांड का किया खुलासा। किन्नर के भाई ने की थी युवक की हत्या। एसपी देहात ने पुलिस लाइन में घटना का किया खुलासा, पत्रकारों को दी जानकारी। इधर मोरवाद के महाराज अग्रसेन इंटर कॉलेज में 23 यूपी बटालियन एनसीसी का 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर शुरू। शिविर के दौरान बरेल ग्रुप के ग्रुप कमांडर ब्रिगेडियर वेंकटेश शर्मा ने पहुंचकर सभी क्रेडिट को दी बधाई, किया निरीक्षण। 23 यूपी बटालियन एनसीसी के प्रशिक्षण शिविर में 169 कैडेट्स ने बढ़ चढ़कर के किया प्रतिभाग। शनिवार को होगा समापन। इधर आज उत्तर प्रदेश भवन एवं सन्न निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अंतर्गत मोरवाद मंडल के पात्र 2100 निर्माण श्रमिकों की पुत्रियों के सामूहिक विवाह का कार्यक्रम मंत्री श्रम विभाग की उपस्थिति में कराए जाने हेतु रणनीति बनाए जाने की बैठक की, जिसमें जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह उपस्थित रहे। इधर मोरवाद के प्रसिद्ध समाज सेवी अरविंद कुमार गोयल ने गरीबों को बांटे कंबल। इधर भारतीय किसान यूनियन महाशक्ति एवं समाजवादी पार्टी के नेता पूर्व जेल विजिटर मोहम्मद इदरीस ने भोजपुर एवं ग्राम लालूवाला की विभिन्न समस्याओं को लेकर जिलाधिकारी से की वार्ता, सौंपा शिकायती पत्र। इधर जनपद की तहसील कांट अंतर्गत ग्राम मोड़ा में ग्राम सभा की बंजर भूमि को गलत तरीके से आवासीय पट्टे जारी करने का आरोप लगाते हुए क्षेत्रीय महिलाओं ने जिलाधिकारी को सौंपा शिकायती पत्र। आवंटन प्रक्रिया निरस्त कराने एवं दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई किए जाने की उठाई मांग। और उधर उत्तर प्रदेश सरकार ने दिए आदेश, कक्षा 6 से कक्षा 8 तक के खुलेंगे स्कूल 10 फरवरी से, कक्षा 1 से कक्षा 5 तक के स्कूल खुलेंगे 1 मार्च से। कोविड-19 के नियमों का करना होगा पालन, ये बहुत बड़ी खबर। उत्तर प्रदेश सरकार ने दिए निर्देश।